सत्संग जी प्यार से बोलना, सत्संग मुझे हर वर्ष जो महात्मा दूर से नज़दीक से आए हैं उनका अभिनंदन करने का मौका मिलता है। तो आज भी दास देख रहा है कि हजारों महात्मा इस पंडाल में विराजमान है। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि जो महात्मा इस तरह भाग भाग कर दौड़े चले आए इस समागम की शोभा बढ़ी। आपके आने से ये शोभा बन पाई। तो मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ कि जो महात्मा आए हैं उनको प्यार दो, उनको सत्कार दो, क्योंकि कई बार हम प्यार की सीमा कुछ महात्माओं तक बना लेते हैं और यही कोशिश करते हैं कि वो बड़े बड़े चंद लोग हमारे घर पर आएं, हमें आशीर्वाद दें और हमारे जीवन चमक उठे। तो मैं आज ये तो कहना नहीं चाहता कि उन महात्माओं की पूजा अर्चना ना हो, बढ़ चढ़ कर अर्चना कर, लेकिन ये जो महात्मा आए हैं चुपचाप बैठे हैं और आपकी हर बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इनके मन में जो श्रद्धा और भक्ति है, अगर आप एक बार इनको देख पाएं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इन महात्माओं के प्रति आस्था निष्ठा आपकी बढ़ जाएगी। ये जो बैठे हैं लोग, लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड है, ये परमात्मा के जीते जागते मंदिर हैं। बड़े महात्माओं का सत्कार करना हमारा फर्ज है। हमारे मन में कोई बड़े या छोटे का भाव नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि बड़े महात्माओं का, जो कहलाते हैं बड़े, उनका सत्कार हमेशा करते रहें, कोई कमी उस सत्कार में ना आए। पर आज दिल में एक तरंग उठ रही है कि आप सबसे मैं प्रार्थना करूं कि आप महात्मा लोग इन जीती जागती मूर्तियों का सत्कार करो। ये आपकी हर प्रकार से सुख और दुख के साथी, ये सुख में भी दौड़े चले आते हैं और दुख में भी दौड़े चले आते हैं। इनका योगदान आप सब जानते हैं कि कितना है। तो मैं आज और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा, इतना ही चाहूँगा कि ये महात्मा उनकी श्रद्धा और भक्ति को ध्यान में रखते हुए इनसे प्यार करें, इनसे आशीर्वाद मांगें। जब कभी आपके मन में खाने पीने पिलाने का भाव आए, तुरंत आपके मन में ये चारों तरफ बैठे हुए महात्मा एकदम आपके जहन में आ जाने चाहिए कि यही हैं वो महात्मा जिनकी हम सेवा करके, पूजा करके, अर्चना करके अपने जीवन को चमका सकते हैं। जो भी चमकाना चाहता, मैं आज उनसे सबसे निवेदन करूँगा कि ये जीती जागती मूर्तियाँ बैठी हैं, खामोश बैठी हैं, कुछ कह नहीं रही, आपकी बातें सुनकर आनंद ले रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज जो महात्मा यहाँ बोल रहे हैं, जो बोलने का पूरा यत्न कर रहे हैं, उनके लिए
आज एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई बाबा इनको प्यार करो, इनको सत्कार दो, और आप देखेंगे ज्यों ज्यों हम इनसे प्यार करेंगे त्यों त्यों हमारे जीवन में एक महक आएगी, एक खुशी आएगी, एक आनंद आएगा। आप सब जानते हैं कि पूज्य माता जी ने हमारे जीवन को एक नया मोड़ देने का यत्न किया। ठीक है, बाबा हरदेव सिंह ने हमारे जीवन की कला को खूब समझा और हमें जीने की कला प्रदान की। हम उनका लाख बार भी अभिनंदन करें तो भी कम है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि जो जीवंत मूर्ति सामने बैठी है, जिसे हम पूज्य सतगुरु माता जी का नाम लेकर के उनकी आशीर्वादें चाहती हैं, तो मैं सब बहन भाइयों से आज यही अरदास करूँगा कि अरे बाबा जीवंत मूर्ति तो ये है, आप गुणगान करें। मैं तो माता जी से भी कई बार तकरार कर बैठता हूँ कि माता जी आप हमारा शुभ रूप हैं, आप हमारे लिए जीवंत रूप हैं, आपको हम देख रहे हैं, आपका बोलना चालना आपका ये हमारे जहन में बैठता जा रहा है, आप ही बख्शिश करो। और माता जी सचमुच मैंने परसों देखा कि वीरवार को खूब चार दस लाइनें कहीं पर इतनी प्यारी गई कि हम नतमस्तक हो गए। आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मातृशक्ति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो अगर इस मौके पर इस माँ ने हमारी साथ न दिया होता, हमारी याचना प्रार्थना को स्वीकार न किया होता, तो हम तो सच्ची बात है लावारिस ही होते, हम तो ऐसा समझते कि अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब माता जी ने हमारी याचना, मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की याचना को स्वीकार कर लिए, बहन नरंजन जी, बहन जगजीत जी, बहन मोनि जी, बहन बिनो बहन जी, और बेटियां जो हैं वो सब जानते हैं, किसी किसी भूली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हमारी रेणुका बहन जी, हमारी सुदीक्षा बहन जी, और सबसे बड़ी बहन उनकी संता बहन जी, इन्होंने माँ के चरणों में निवेदन किया कि माँ ऐसे समय में जबकि हमारी किश्ती डामाडोल हो रही है, हम ऐसा लगता है कि अब कहीं खड़े होने योग्य नहीं है, तो माँ ने स्वीकार कर लिया, हंसते हंसते कहा ठीक है जैसा आप चाहते हो मैं वैसा करूँगी। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हम सबको अधिकार दिया कि जो करना है कर सको, तो हम सब ने ये जो बहनें बैठी हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दे करके ऊपर मंच पर भेजा और माँ को हमने दुपट्टा पहनाकर इनकी आशीर्वादों की कामना की, तो हमारा सारे का सारा ढांचा जो था वो कह उठा कह माँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐ सतगुरु माँ तेरी कृपा से हम आज सतगुरु वाले बन गए हैं। तो मैं आज यही उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आपको सतगुरु के रूप में यही देखना होगा, कोई और तस्वीर मन में नहीं आने देनी होगी। माता जी तो हमें प्रेरित करेंगे कि आप बाबा जी का ध्यान धरो, हम जानते हैं कि माता जी का ये कहना बहुत वाजिब है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि माता जी प्यार में आकर, श्रद्धा भक्ति में आकर, आस्था में आकर बाबा जी की ओर हमारे मन को मोड़ेंगी, ये उनका